आज हम लोग देखेंगे AWS ENI क्या होता है, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, लॉजिकल कंपोनेंट इन अ वीपीसी दैट रिप्रेजेंट वर्चुअल नेटवर्क कार्ड। ये एक इथरनेट कार्ड जैसा होता है, जैसे आप अपने लैपटॉप में सॉरी डेस्कटॉप में या लैपटॉप में एक इथरनेट कार्ड होता है ना, जैसे इथरनेट कार्ड मतलब लैन पोर्ट होता है, तो उस लैन पोर्ट लगा देते हैं, एक से ज्यादा लैन पोर्ट लगा सकते हैं आप डेस्कटॉप में, लैपटॉप में तो नहीं लगा सकते, हाँ लैपटॉप में भी लगा सकते हैं अगर आजकल यूएसबी बेस्ड आपके लैन कार्ड आते हैं, अगर आपका लैपटॉप का लैन कार्ड खराब हो जाए तो आप एनआईसी कार्ड खराब हो जाए तो आप यूएसबी बेस्ड एनआईसी कार्ड आते हैं उसको यूज कर सकते हैं, या एप्पल के जो आपके मैकबुक आती है उनमें आपका लैन कार्ड नहीं होता तो उसमें भी आप यूएसबी बेस्ड आपका लैन कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका इसी टू इंस्टेंस में आपको अगर एडिशनल एनआईसी कार्ड की जरूरत होती है तो आप उसे अटैच कर सकते हैं, इसे ईएनआई कहते हैं, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। तो ये एक वर्चुअल कार्ड होता है। द ईएनआई कैन हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं इसमें, प्राइमरी प्राइवेट IPv4, इसमें एक प्राइमरी IPv4 होगा, प्राइवेट IPv4 होगा, और आप चाहे तो सेकेंडरी IPv4 बना सकते हैं या और ज़्यादा IPv4 भी बना सकते हैं, आप एक से ज़्यादा IPv4 आप असाइन कर सकते हैं अपने NIC में या ENI में, आप उसमें इलास्टिक IP भी असाइन कर सकते हैं, IPv4 का इलास्टिक IP असाइन कर सकते हैं जिसका पैटर्न मैं दिखा चुका हूँ आपको, पब्लिक IP आप असाइन कर सकते हैं उसमें, IPv4 पब्लिक IP इसको भी मैं सब प्रैक्टिकल और थ्योरी समझा चुका हूँ आपको, वन और मोर सिक्योरिटी ग्रुप आप एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रुप आप लगा सकते हैं अपने जो ENI है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, उस नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड का एक मैक एड्रेस होगा तो, और उसमें आप प्राइवेट IPv6 भी दे सकते हैं, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और सोर्स डेस्टिनेशन चेक फ्लैग भी, तो ये सारे एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, तो ये एक ENI के एट्रीब्यूट होते हैं। यू कैन गेट ENI इंडिपेंडेंटली एंड अटैच देम टू फ्लाई ओवर देम और EC2 इंस्टेंस फॉर फेल ओवर, मतलब आप किसी एक EC2 इंस्टेंस जो रनिंग कंडीशन में है उसका ENI डीअटैच करके किसी दूसरे ENI दूसरे EC2 इंस्टेंस में भी लगा सकते हैं, या एक EC2 इंस्टेंस में एक से ज़्यादा ENI भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्राइमरी IP सेकेंडरी IP आप असाइन कर सकते हैं, तो ये फेल ओवर के केस में होता है जहाँ पे आपका सर्वर फेल हो गया लेकिन आपको पूरे नेटवर्क की सेटिंग आपको सेम चाहिए है, आपने दूसरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है लेकिन दूसरा जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो उसमें IPv4 चेंज हो जाएगा आपका, आपका पब्लिक IP या इलास्टिक IP चेंज हो जाएगा, तो आपको आप चाहते हैं कि जो दूसरा EC2 इंस्टेंस आपने लॉन्च किया है, पहला आपका सर्वर डेड हो गया तो जो उस डेड सर्वर के प्लेस इन प्लेस में जो आपने दूसरा EC2 सर्वर लॉन्च किया उसमें सेम IP मिले, तो आप उस EC2 इंस्टेंस को क्या करें, EC2 इसे सॉरी ENI कार्ड को क्या करेंगे, पहले वाले सर्वर से डीअटैच करेंगे और दूसरे वाले जो सर्वर आपने रेडी किया उसमें अटैच कर देंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बॉन्ड टू स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन, ये एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही बॉन्ड होता है, मतलब दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ये आपको शो नहीं करेगा या इसका यूज नहीं कर पाएंगे आप। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड ये देखिए हम लोगों ने अपना कंसोल एक्सेस कर लिया है और इस कंसोल में मैं टोक्यो रीजन में हूँ जो मैंने पहले से लेके चल रहा हूँ, ये दो इंस्टेंसेस, और इस इंस्टेंसेस में मेरा ये लिनक्स मशीन का इंस्टेंसेस रनिंग कंडीशन में, अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं अप करता हूँ, तो देखिए इंस्टेंस की ID है, इंस्टेंस का DNS पब्लिक DNS ये है, इसको इससे भी पब्लिक DNS से भी एक्सेस कर सकते हैं या पब्लिक IP से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस में IPv6 अभी मैंने एलोकेट नहीं किया है, इंस्टेंस में कोई भी इलास्टिक IP एलोकेट नहीं किया है, हालांकि इनका पैटर्न मैं दिखा चुका हूँ, इंस्टेंस T2 माइक्रो का है, इसका प्राइवेट DNS ये है और प्राइवेट IPv4 ये है, सेकेंडरी IP देखिए इसमें सेकेंडरी IP भी है, ये देखिए सेकेंडरी IP है, अगर आप देना चाहें सेकेंडरी IP दे सकते हैं, और इसमें नेटवर्क ईथरफेड या ENI एक लगा है ETH0, तो देखिए इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं ETH0 को, तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे नेटवर्क सिक्योरिटी में, यहाँ पे आपको मिलेगा नेटवर्क इंटरफेस, तो जब जितने भी इंस्टेंस आपने बनाए होते हैं
उतने ईएनआई आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे उतने ही इंस्टेंस के। तो देखिए समय मेरे पास दो इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, तो इसलिए दो ईएनआई यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक मेरा ये स्टॉप कंडीशन में है तो इसका एक ईएनआई है विंडो मशीन का, एक मेरे लिनक्स का जो रनिंग कंडीशन में इसका ईएनआई है। तो दोनों की इंस्टेंस आईडी मैं देख लेता हूँ, इसका C72 लिनक्स वाले का लास्ट में इंस्टेंस आईडी है। मैं वापस जाता हूँ और ये नेटवर्क इंटरफेस में जाता हूँ। और देखिए C72 मतलब ये जो है ये मेरा जो ऊपर वाला है ये मेरा लिनक्स जो मशीन है, इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ लिनक्स ENI। तो ये मेरा लिनक्स वाला है क्योंकि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टेंस आईडी से इसको आइडेंटिफाई किया। तो ये मेरे लिनक्स का आपका ENI है। ऐसे ये वाला मेरे विंडो का है, इसको मैं विंडो का डाल देता हूँ, विंडो ENI। ठीक है, आप सपोज करिए कि आपको ये जो विंडोज का ENI है इसको आपको डीअटैच करना है, और इसको डीअटैच करके वापस लिनक्स के ईएनआई पे आपको अटैच करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप कोई नया भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई आप नया भी यहाँ से क्रिएट न्यू करके उसको अटैच कर सकते हैं। या आप सपोज करिए कि आपको विंडोज का सर्वर था जो आपका फेल हो गया है, आपने उसके बिहाफ में कोई नया सर्वर बना लिया है, लेकिन उस नए सर्वर में आपको सेम आईपी चाहिए जो विंडोज सर्वर की आईपी थी, तो आप इस ईएनआई को यहाँ से डीअटैच कर लेंगे और उस नए वाले सर्वर में आप अटैच कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। चलिए इसको मैं आराम से देखता हूँ वन बाई वन। तो मैं लिनक्स ईएनआई में आया हूँ और इसको सिलेक्ट किया है और एक्शन में आता हूँ, मैनेज आईपी एड्रेस। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को। तो देखिए ये मेरा ईएनआई का एड्रेस है और इसमें मेरे दो आईपी हैं, देखिए ये पब्लिक आईपी जो उसको एलोकेट है और ये उसके प्राइवेट आईपी। अगर ये सेकेंडरी आईपी इसको अनअसाइन कर देंगे तो देखिएगा एक ही आईपी बचेगा। यहाँ पे मैंने इसके जो सेकेंडरी आईपी था उसको हटा दिया, यहाँ पे अंडू कर दिया है और उसको अपडेट कर दिया है। तो देखिए इंस्टेंस में जाके देखते हैं, तो इंस्टेंस में इस समय उस इंस्टेंस में पहले दो आईपी दिख रहे थे, अब एक ही आईपी दिखना चाहिए आपको। देखिए लिनक्स इंस्टेंस में आ गए हैं हम लोग और इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और देखिएगा प्राइवेट आईपी एक है, सेकेंडरी आईपी यहाँ पे ब्लैंक हो गई है। तो आप चाहें तो फिर से सेकेंडरी आईपी दे सकते हैं या ऐसे ही कोई दो एक से ज़्यादा सेकेंडरी आईपी भी दे सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जाएंगे एंड मैनेज आईपी एड्रेस में जाएंगे और असाइन न्यू आईपी आप दो या तीन, दो से ज़्यादा आईपी भी दे सकते हैं, जितने भी आप चाहें उतने आईपी दे सकते हैं, लेकिन आप उसी नेटवर्क में दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 180 एंड 181 मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ, 172.31.37.181। तो ये देखिए मैंने इसके प्राइमरी आईपी आईपी के साथ दो सेकेंडरी आईपी इसको एलोकेट किए हैं और इसको अपडेट क्लिक कर दिया है। तो देखिएगा इसका आईपी मिल जाएगा, देखिए इसमें दिखा रहा है नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एक्सीडेड लिमिट, इसकी लिमिट से ज़्यादा जा रहा है। तो इसमें क्योंकि CIDR वैल्यू इसकी 20 है, मैं इसको कम कर देता हूँ 172.13.37.176 कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। देखिए ये आईपी इसने ले लिया क्योंकि इसकी रेंज में है ये, और CIDR बेसिकली इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, CIDR क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, सुपर नेटिंग क्या होता है। तो चलिए देखिए अब उसमें इंस्टेंस में जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे दो आईपी रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो देखिएगा सेकेंडरी आईपी भी अब रिफ्लेक्ट करना चाहिए इसी टू इंस्टेंस में। तो देखिए 176 जो हम लोगों ने आईपी दिया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही आप एक से ज़्यादा इसको सेकेंडरी आईपी असाइन कर सकते हैं। फिर से मैंने अपने लिनक्स ईएनआई को सेट कर लिया है और एक्सेल में जाता हूँ। एसोसिएट एड्रेस, अगर आपने कोई इलास्टिक आईपी है और उसको आप एसोसिएट करना चाहते हैं अपने इस ईएनआई के साथ, तो आप एसोसिएट एड्रेस में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप जो भी इलास्टिक आईपी का एड्रेस होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसको इसके साथ एसोसिएट करना चाहेंगे तो ये ऑप्शन आएगा।
अगर आप कोई इलास्टिक आईपी एसोसिएट कर रखा है, उसको डी एसोसिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे और इसको डी एसोसिएट कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप उसको डी एसोसिएट कर सकते हैं। तो आपका जो भी इलास्टिक आईपी आपने एसोसिएट कर रखा होगा इसी ईएनआई के साथ, वो डी एसोसिएट हो जाएगा। उसमें अगला ऑप्शन आता है चेंज टर्मिनेशन बिहेवियर। इसमें जैसे ही आप इसी टू इंस्टेंस डिलीट करेंगे तो ये ईएनआई भी डिलीट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। अगर आप इस चेक को अनचेक कर देते हैं और आप इसी टू इंस्टेंस कोई डिलीट करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा, ये ईएनआई डिलीट नहीं होगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। ये मैं अपने विंडोज में आता हूँ और विंडोज के जो मैंने ईएनआई है इसको मैं चेंज टर्मिनेशन बिहेवियर में जाता हूँ और उसको मैं अनचेक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो देखिए मेरा इसको मैंने अनचेक कर दिया और मैं अपने विंडो की जो मशीन है उसको मैं डिलीट करता हूँ। ये विंडोज की जो मेरी मशीन है इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके एक्सेल में जाके टर्मिनेट कर दिया मैंने इसको। तो ये मेरी विंडो मशीन टर्मिनेट हो गई है। तो जैसे ही विंडो मशीन टर्मिनेट होने लगेगी तो वो मेरा देखिएगा मेरा ईएनआई टर्मिनेट नहीं होगा, ईएनआई मेरा एजीटी रहेगा। तो मैं अपने नेटवर्क इंटरफेस में जाता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो टर्मिनेटेड हो गई है। मैं अपने नेटवर्क इंटरफेस में जाता हूँ तो देखिए मेरे दोनों ही ईएनआई हैं, विंडो ईएनआई अवेलेबल है। और देखिए इसमें सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, किस जोन में है, किस वीपीसी आईडी में है, किस सबनेट आईडी में है और इसका इंटरफेस आईडी क्या है। और देखिए ये अवेलेबल दिख रहा है, तो अवेलेबल के साथ इसमें कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है, प्राइवेट आईपी है, इसमें सेकेंडरी आईपी कुछ भी नहीं है, आईपी वर्जन 6 भी कुछ नहीं है। और ये ओनर का है, ये ओनर की आईडी है, ये मेरे ओनर मीन्स AWS अकाउंट की आईडी है जिस अकाउंट से मैं लॉगिन किया हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ डिटेल यहाँ पे शो की। अब मैं चाहूँ तो इसको अटैच कर सकता हूँ अपने लिनक्स मशीन के साथ या लिनक्स ईएनआई के साथ। तो देखिए अगर इसको अटैच करना है तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। इसका जो आईपी है 126 है, 3140.126, और इसको मैं यहाँ पे जाके अटैच करता हूँ सेलेक्ट इंस्टांस को। तो सिर्फ जितने भी रनिंग कंडीशन में इंस्टांस होंगे या जो भी इंस्टांस होंगे यहाँ पे इस अवेलेबिलिटी जोन में वो सारे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में सिर्फ एक ही लिनक्स मशीन इंस्टांस ही रनिंग कंडीशन में है इस अवेलेबिलिटी जोन में, मैं इसको सेट करता हूँ और अटैच कर देता हूँ। तो देखिएगा ये मेरे इस जो लिनक्स इंस्टांस के साथ है वो अटैच हो जाएगा। देखिए आप इसमें यहाँ पे इंस्टांस आईडी सेम आ गई क्योंकि सेम इंस्टांस में मैंने अटैच कर दिया है, इन यूज है, पब्लिक आईपी इसका कोई भी नहीं। अब इसमें दो प्राइवेट आईपी दिखेंगे, दो ईएनआई दिखेंगे, एक का आईपी 175, एक का आईपी 126 दिखेगा। तो देखिएगा मैं इसको देखता हूँ अपने इंस्टांस में जाके। तो ये देखिए मैं इंस्टेंस में आ गया और ये मैं अपनी लिनक्स मशीन को सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा प्राइवेट आईपी, ये मेरे पहले वाले, देखिए दो प्राइवेट आईपी दिख गए हैं आपको, एक 125 और एक का 126 था, दोनों प्राइमरी आईपी हैं क्योंकि दो इंस्टेंस है। ये देखिए दो इंटरफेस है, एक ETH 0 है, एक ETH 1 है, जो बाद में लगाया वो ETH 1 है और पहले वाला ETH 0, मतलब ETH 0 का IP 175 है और ETH 1 का IP 126 है और ये इसका सेकेंडरी IP है 125 का, 175 का 176 सेकेंडरी IP। तो देखिए दो ETH आप अटैच कर सकते हो। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपका सर्वर है, रनिंग कंडीशन में सर्वर था और वो आपका मेन सर्वर था और वो किसी तरह डेड हो गया, तो आप उसका उसके बिहाफ में आपने कोई नया सर्वर लॉन्च कर दिया लेकिन आप चाहते हो उसको सेम आईपी मिले जो उसकी आईपी थी प्राइवेट, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि उसका डेड सर्वर का ईएनआई डीअटैच करके जो आपने फ्रेश सर्वर बनाया है उसमें अटैच कर सकते हैं। चलिए वापस अपने इसमें चलते हैं नेटवर्क इंटरफेस में। तो आपने देखा ये, तो इसको हम चाहें तो फिर से डी एसोसिएट कर सकते हैं, डी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए डी अटैच कर रहे हैं, फोर्स डी अटैच कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये फोर्स डी अटैच हो जाएगा और उसके बाद चाहे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसका यूज नहीं है तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी डी अटैच प्रोसेस रनिंग कंडीशन में है, जैसे ही डी अटैच होगा तो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी हट जाएगी और यहाँ पे अवेलेबल लिख के आ जाएगा स्टेटस अवेलेबल। ये देखिए स्टेटस अवेलेबल आ गया। तो मैं अब चाहूँ तो इसको एक्सेल में डिलीट भी कर सकता हूँ। तो डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और ये आपका ईएनआई डिलीट हो जाएगा क्योंकि मैंने मशीन डिलीट कर दी तो मुझे इसका कोई यूज भी नहीं है। और
चेन सिक्योरिटी ग्रुप आप, और उसमें सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं। अभी इसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा है, आप एक से ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप भी लगा सकते हैं। ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप लगा है, आपको दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप भी लगाना है तो चेन सिक्योरिटी ग्रुप में जा सकते हैं। और अगर ये देखिए डिफॉल्ट वाला है, लॉन्च विजार वन वाला, ये वाला भी मुझे लगाना है या ये वाला भी मुझे लगाना है, तीन सिक्योरिटी ग्रुप भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने दो लगाना चाहते हैं तो दो भी लगा सकते हैं। तो देखिए दो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने लगा दिए हैं। अब देखिए दोनों सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, एक है लॉन्च इंस्टांस वन और एक है SSS RTP और HTTP, दो इंस्टांस है। तो वापस मैं इनको हटा देता हूँ, मेन अपने अपने वाले को रखता हूँ, चेन सिक्योरिटी ग्रुप में जाता हूँ और मैं इसको वापस हटा देता हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।